नमस्कार आदाब, क्राइम पेट्रोल सतर्क के आज के इस एपिसोड में मैं अनूप सोनी आप सबका स्वागत करता हूं। कभी रिश्ते हमें आजमाते हैं तो कभी हम रिश्तों को आजमाते हैं, लेकिन अगर रिश्ते जबरदस्ती के हों तो उनकी शुरुआत भी दर्दनाक होती है और उनका अंत भी। टीना को आभास हो रहा था कि उसका अंत नजदीक आ रहा था। किसी ने उसे जान से मारने की कोशिश भी की थी, लेकिन किस्मत ने उसे जीने का एक और मौका दिया था। पर किस्मत अब एक और इम्तिहान लेने वाली थी, सिर्फ टीना का ही नहीं, कई जिंदगियों का, जिनका अंत लिखने के लिए एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया गया था जो इस केस को इस दशक का एक अद्भुत और खौफनाक केस बना रहा था। मार दो तो अपनी बीवी, अपनी पत्नी के साथ कुछ भी करोगे? रुक जा, अभी पुलिस को फोन लगा के अंदर करते हो। तुम्हारी पुलिस? मैडम, ये पुलिस की धमकी किसी और को देना समझी? ये जो महिलाओं का अधिकार दिलाने के नाम पे तुमने जो धंधा खोल रखा ना, सब पता है हमको। अरे एक मिनट में पोल खोल दूंगा। मुझे जो कहना है कह ले, लेकिन मेरी टीना मैडम के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगी मैं, समझा? तूने मुझको हाथ उठाया? मुझ पे? चल बाहर निकल। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? मम्मा, आप ये ड्रेस में ना बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो, मैं भी ना बड़े होके आप जैसी बनूं। सुंदरता है ना, दिखावा होता है बेटा, और तुम्हें तो दुनिया से अलग करना है। जो मैं नहीं कर पाई ना, वो तुम करोगी ना। चलो अब जाओ तुम दोनों। रूपन, तेरे दोनों बच्चे और पति ना बहुत ही अच्छे हैं। चल चलते हैं, लेट हो रहा है। अरे रूपल, कहाँ जा रही है? हाँ वो बस एक मीटिंग है, बस उसी के लिए जा रही हो। पहले बता दिया होता तो कम से कम बेचारे मुर्गे की जान बच जाती। फ्रिज में रख दो, कल बना दूंगी। चिकन मैं बना देती हूँ, आखिर पड़ोसी ही तो पड़ोसी के काम आता है। मेरी सासें और तुम्हारी माँ की यादें बसी है इस घर में, अब मुझसे और कहीं नहीं बसा जाएगा। तू ही क्यों नहीं आती यहाँ रहने के लिए? हाँ अच्छा पापा, आप अपना ख्याल रखिएगा, मैं इस वीकेंड पे पक्का आकर आपसे मिलूंगी। ठीक है बेटा। सर, घर में लूटपाट के निशान है और लड़की के माथे पर मर्द लिखा है, इसका क्या मकसद होगा? सर, सर ये सुमित है, लाश को सबसे पहले इसी ने देखा। विक्टिम का नाम क्या है? टीना। आपके क्या लगते हैं? सर सब मेरी मेरी फ्रेंड थी सर। तो फैमिली कहाँ है? सर वो अकेली रहती थी यहाँ पे, एनजीओ के लिए काम करती थी सर वो। उसका बड़ा भाई यूएस में सेटल्ड है, उसके उसके फादर मुरादाबाद में रहते हैं। आपको इस कत्ल के बारे में कब और कैसे पता चला? सर दोपहर को टीना ने ही मुझे फ़ोन किया था। टीना, टीना क्या हुआ? हेलो हेलो। सो
फोन पे ना मुझको गोली चलने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने कॉल बैक किया, टीना ने उठाया नहीं, तो मैं सर भागा भागा यहाँ आ गया। टीना, टीना, क्या लगता है आपको ये सब किसने किया होगा? सर मुझे कोई आइडिया नहीं लग पा रहा। सर आपने फैमिली को तो इन्फॉर्म कर दिया होगा? सर उसके फादर बीमार रहते हैं सर, मेरे मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं उन्हें क्या बताऊं। निशा फैमिली का नंबर लो और उनसे कांटेक्ट करो। अच्छा, इसका कहना है कि जब टीना के फोन से कॉल किया गया उसके बाद टीना पर गोली चलाएगी। छोड़िए मुझे, मैडम थी मेरी, देखना है मुझे। रेनु, आनंद सब, मैं पास वाली बस्ती में रहती हूँ। टीना मैडम हम जैसी औरतों के हक के लिए लड़ती थी, बहुत औरतों की जिंदगी सुधारी उन्होंने, मेरी भी। इसलिए टीना मैडम का मेरे पति के साथ झगड़ा चलता था। चल बाहर निकल। तो ठीक है ना? अब टेंशन मत लो, अभी पुलिस को फोन करके अंदर करवाती हूँ। नहीं मैडम, पुलिस नहीं, आप बस मुझे तलाक दिलवा दो, सब गलती की मैंने। अगर उसे जेल भेज देती तो आज वो टीना मैडम का मर्डर। आप कहना चाहती हो कि आपकी टीना मैडम को आपके पति ने मारा होगा? जी सर। यही घर है साहब। यही है तुम्हारा पति अमोल? क्या हुआ साहब? मैंने तो इसको 3 दिन से हाथ भी नहीं लगाया। टीना का मर्डर किया ना तूने? टीना मैडम का मर्डर हो गया? मर्डर हुआ है और उसका इल्जाम तेरी बीवी ने तेरे ऊपर लगाया है। साहब ये कुछ भी बोल रही है, मैं तो सुबह ड्यूटी से आया हूँ और तब से यहीं पर सोया हुआ हूँ। अगर मैं आप लोगों को बोलूँ इसने मर्डर किया तो आप लोग मान लोगे क्या? सिक्योरिटी गार्ड है ना तू? सर्विस राइफल कहाँ है तेरा? मैडम सर्विस राइफल तो ज्वेलरी शॉप के लॉकर में रखा रहता है ना, मैं साथ में लेके थोड़ी ना घूमूंगा। साहब मेरे को लगता है इसी ने कोई कांड किया और ये मेरे को फंसा रही है। साहब झूठ बोल रहा है मैडम। सही सही बता, तेरी बीवी टीना को क्यों मारेगी? क्योंकि टीना औरतों का भला करने के नाम पे मेरी बीवी जैसी औरतों को फंसाती थी। मैंने विनीता को 1000 बार बोला उसके चक्कर में मत पड़, वरना वो भी उसके बिस्तर पे चली जाएगी। क्या? हाँ मैडम, और मुझे तो लगता है विनीता को भी उसका चस्का लग गया था, इसीलिए तो मुझसे दूर दूर भागती थी वो। उन दोनों के बीच कुछ हो गया होगा, बाद में मेरी पत्नी ने उसका मर्डर कर दिया होगा और अब मुझे फंसा रही है। साहब वो कुछ भी बक रहा है, वो खुद को बचाने के लिए मुझे और टीना मैडम को बदनाम कर रहा है। लेकिन तुम्हारा पति तो बोल रहा है कि जब से नाइट ड्यूटी से आया है वो कहीं गया ही नहीं, वो सो रहा है। क्या टीना मैडम के घर जाते हुए तुमने अपनी आंखों से देखा था सर? से ये टीना को शूट किया गया और अमोल गन चलाना जानता है, शायद वो अपनी बीवी को फंसा रहा है। अमोल की सर्विस राइफल जब्त करो और बैलिस्टिक रिपोर्ट मंगवाओ जल्द से जल्द। ये दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे पर झूठ बोलने का इल्जाम लगा रहे, दोनों से ठीक से पूछताछ करो और टीना की एनजीओ में भी मिलो। टीना के माथे पर टीना से किसी की पुरानी रंजिश रही हो? सब सब सर, टीना की कॉल हिस्ट्री देखिए। 12 बजे सुमित को कॉल किया गया था, उससे ठीक 10 मिनट पहले सुमित ने ही मिस कॉल किया, और सर इन दोनों कॉल से पहले 11:45 पे टीना के फादर को कॉल किया गया। सुमित के बयान के मुताबिक इस 12 बजे की कॉल के दौरान ही टीना का मर्डर हुआ। टीना की अपने फादर से क्या बात हुई हमारे लिए जानना जरूरी, टीना के फादर को बुला। साहब पास हो गया, तुम आज अपनी मम्मी से भी सुंदर लग रही हो। आंटी पर मम्मी कहती है कि खूबसूरती सिर्फ एक दिखावा है, बाकी असल में। हाँ हाँ ठीक है, बाकी बातें गाड़ी में चल के करेंगे। हाँ, अरे सोनिया तुम कहाँ जा रही हो? अब विकास आज मैं तुम्हारे साथ होमवर्क नहीं कर पाऊंगी, मैं अपनी मम्मी की पार्टी में जा रही हूँ। तो तुम अपना होमवर्क कब करोगी? अरे बेटा आज सोनिया का होमवर्क तुम ही कर दो ना। नाइस आइडिया पापा। विकास आज तुम भी मेरा होमवर्क कर लो प्लीज। बेटा लेट हो गया, तुम्हारी मम्मी तुम्हारा वेट कर रही होंगी ना, हम लोग चलते हैं, है ना? चल बाय। विजय जी आप पे क्या गुजर रही है मैं समझ सकता हूँ, लेकिन तहकीकात को आगे बढ़ाने के लिए हमारे लिए जाना जरूरी है।
कि आपकी टीना से फोन पर जब आखिरी बार बात हुई उस वक्त टीना कहाँ थी। अच्छा पापा एक मिनट होल्ड करिए आप, मैं घर पहुंच गई हूँ, ऑटो वाले को फेयर दे देती हूँ। तो तब टीना ऑटो से घर पहुंची थी। जी सर। टीना से बात करने के बाद आपकी उसके दोस्त सुमित से कोई बात हुई थी? सुमित से? जी, सुमित ने हमें इन्फॉर्म किया, टीना ने कत्ल के दौरान सुमित को फोन किया था। विजय जी, टीना के माथे पर खून से मर्द लिखा था। आपकी बेटी का ऐसा हश्र कौन कर सकता है? पता नहीं सर, लेकिन लेकिन सर टीना सुमित को फोन क्यों करेगी? टीना तो 6 महीने पहले ही सुमित को छोड़ चुकी थी। छोड़ चुकी थी मतलब दोनों का अफेयर था या? सर 6 महीने पहले दोनों की शादी होने वाली थी, लेकिन सुमित एक नंबर का कमीना इंसान है, वो जबरदस्ती टीना से शादी करना चाहता था। बड़ी मुश्किल से पीछा छुड़ाया हमने उसे। ये आंटी कहाँ रह गई? चिंता मत कीजिए, आ जाएंगी। ये क्या कर रहे तू? आंटी कहाँ है? पता मुझे। मैडम क्या है ये सब? मैं आंटी को सब बता दूंगी। ए, चल निकल। क्या कर रहा है? हाँ क्या कर रहा था? चल निकल यहाँ से। बेटा आई एम सो सॉरी, लेट हो गया, ठीक हो ना? वो ये तुम्हारे मम्मी की फ्रेंड है, हमारे साथ पार्टी में चल रहे हैं। आप एक काम करिए, आप मेरे कॉल डिटेल्स चेक कर लीजिए। जब टीना का मर्डर हुआ था तो उसने मुझे फोन किया था, मैं अपने घर पे था, तो मैं उसको मर्डर कैसे कर सकता हूँ सर? प्लान तो तूने फुल प्रूफ बनाया, टीना की सुपारी थी और किलर को कहा कि टीना को मारने से पहले मेरे नंबर पे कॉल करना, ताकि जब हम तुमसे पूछताछ करें तो कॉन्फिडेंस से ये कॉल डिटेल की बात कर सके। सर ऐसा कुछ नहीं हुआ था सर। टीना तुम्हें कॉल क्यों करेगी? तेरा और टीना का चैप्टर तो 6 महीने पहले क्लोज हो चुका था। सर चैप्टर क्लोज नहीं हुआ था सर, माना कि मैं उससे अलग हो चुका था, लेकिन अभी भी मैं उसे अपनी लाइफ में वापस लाने की कोशिश कर रहा था सर। तुम अब क्या करने आए हो यहाँ पर? दुख दर्द सिर्फ तुम्हारी जैसी औरतों को नहीं होते टीना, मेरे जैसे मर्दों को भी होते हैं, जो तुम्हारी जैसी औरतों की गलतफहमी के शिकार बन जाते हैं। मुझे तुम्हें लेकर कोई गलतफहमी नहीं हुई थी। मेरे जो भी अफेयर्स थे वो सब पास्ट में थे, तुमसे मिलने के बाद मैं सब कुछ खत्म कर चुका हूँ। और अब हमारे बीच भी सब कुछ खत्म हो चुका है, अब मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। तो जब तेरी हर कोशिश नाकाम होगी, तेरे सर पे भूत सवार हो गया टीना को मारने का। सर टीना को मारने का भूत तो उसके भाई पे भी सवार हुआ था। 6 महीने पहले टीना पे गोली चलवाई थी, उसको मारने की कोशिश की थी। दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? किसने पड़े? सर टीना को तब भी लगा था कि उस पे गोली मैंने चलवाई थी, लेकिन उसका दिल जानता था, उसको मरवाने की कोशिश उसके भाई ने की थी। आप उसके भाई का मोटिव क्यों नहीं पता करते हैं सर? करेंगे, पहले तेरा मोटिव पता कर ले। कत्ल वाले दिन टीना जिस ऑटो रिक्शा में अपने घर पर आई थी, वो ऑटो रिक्शा का पता लगना जरूरी है। जितनी जल्दी हो सके उसका पता लगाओ। सर सर ये मोल तो बहुत पहुंची चीज निकला, ये गन लेकर ज्वेलरी शॉप पे ड्यूटी करता था। ये तो नकली है। सर मोल की एजेंसी वालों का कहना है कि उन्होंने उसे असली गन दी थी, लेकिन ये बिल्कुल वैसी दिखने वाली नकली गन है। अमोल कहाँ? कल वो नाइट ड्यूटी के लिए गया था साहब, तब से लौटा ही नहीं है। वो ड्यूटी पर गया ही नहीं, भाग के कहाँ जा सकता? वो तो नहीं मालूम साहब, लेकिन हाँ कल घर से निकलते हुए किसी औरत से फोन पर बात कर रहा था। अरे हाँ बाबा, इस बार आऊंगा तुम्हारी सारी शिकायतें दूर कर दूंगा बस। अरे इस बार मैं हमेशा के लिए तुम्हारे पास रहने के लिए आ रहा हूँ, ठीक है? जिससे अमोल फोन पर बात कर रहा था वो औरत कौन थी? नहीं मालूम साहब, लेकिन हाँ जरूर उस औरत से अमोल का चक्कर चल रहा है। अमोल की सर्विस राइफल नकली है, असली वाली कहाँ? नहीं मालूम साहब। अमोल के लिए लुकआउट नोटिस जारी करो और उसके कॉल रिकॉर्ड में उस औरत का नंबर देखो जिसके पास वो जा सकता है। सर अनिकेत सोच, 7 दिन के बाद इन लड़कियों का करना क्या है? सर ये बात सही है कि टीना और मेरे बेटे के बीच में बंटवारे को लेकर के मनमुटाव था, लेकिन काफी टाइम से मेरा बेटा तो यूएस में। लेकिन 6 महीने पहले
जब टीना की शादी हो रही थी उस वक्त तो यहाँ था और उस वक्त भी टीना पे अटैक हुआ था। आपने ये बात हमें पहले नहीं बताई। सर उस वक्त भी टीना पे कोई गोली नहीं चली थी, वो उसका बहन था। पापा अगर सुमित मुझे मरवाना चाहता तो फिर वो मेरे पीछे क्यों आता? मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मेरा वहम था या टीना। ये सब तेरा वहम ही है। नहीं, मुझे क्या लगता है कि हमें एक बार पुलिस को इत्तला कर दे। पुलिस के पास जाने की कोई जरूरत नहीं। अगर पुलिस के पास जाएंगे तो इधर उधर की बातें होंगी और वैसे भी इसके मंडप छोड़ के भागने का हमारा मजाक बन चुका है। तो ये सब रफा दफा करो और इसके लिए कोई दूसरा लड़का ढूंढो और इसकी शादी करो। तो आपको अपने बेटे करण पर तब भी शक नहीं था और अभी नहीं? सर वो मेरा बेटा है, कुछ भी हो अपनी बहन के साथ इतनी घिनौनी हरकत नहीं कर सकता। सोनिया क्या हुआ तुझे? तू स्कूल भी नहीं आती, मैं तेरा बेस्ट फ्रेंड हूं ना, बोल मुझे क्या प्रॉब्लम है। रोमन बेटा, रोमन बेटा, विकास तू अंदर जा। रोते नहीं बेटा, शांत हो जा। तेरी निगाह को है ना मैं छोड़ूंगी नहीं। तेरी बीवी भले ही मेरी दुश्मन लेकिन तू तो मेरा अजीज है ना। अजीज बोल के मुफ्त का सौदा मत कर, चल पैसे निकाल। ये ले। अरे अरे साला, पैसे सुनते तेरे पैर ठीक हो गए? सर बॉलिस्टिक रिपोर्ट आ गई है, टीना को AK-47 से शूट किया गया। सिक्योरिटी गार्ड अमोल की सर्विस राइफल जरूर गायब है पर ये AK-47 ये किसके हाथ लग गई? इसने टीना का मर्डर कर दिया। सर कोई सुपारी किलर हो सकता है? पर क्या कोई सुपारी किलर AK-47 इस्तेमाल करेगा? AK-47 तो टेररिस्ट एक्टिविटी में भी इस्तेमाल होती है। सर 6 महीने पहले जो टीना पर अटैक हुआ था उस वक्त कौन सी गन इस्तेमाल हुई होगी? उसका पता तभी चल सकता था अगर उस वक्त उसकी रिपोर्ट की गई होती। सर अगर पर्सनल एंगल को देखें तो सुमित और टीना की 6 महीने पहले शादी होने वाली थी। अगर उस अटैक में टीना के भाई का हाथ ना हो तो कोई जिल्टेड लवर भी हो सकता है जिसे उस वक्त भी टीना को मारना। ये जिल्टेड लवर कोई सुमित की एक्स गर्लफ्रेंड भी हो सकती है जो सुपारी किलर से कनेक्टेड हो। ठीक है सर, मैं इस एंगल पर काम करती हूँ। शाश्विता फिलहाल हम इस रिसेंट अटैक पर फोकस करते हैं, खबरों को काम पे लगा। सब ये कौन सा शूटर आ गया? ये AK-47 लेकर घूम रहा है। पुलिस ना तो उस शूटर को लेकर सही थ्योरी बना रही थी और ना ही टीना के मर्डर के मोटिव को लेकर पुलिस एकमत थी। पुलिस ओवर कॉन्फिडेंट थी कि वो 2+2 करके बहुत जल्द असली कातिल तक पहुंचने का रास्ता तलाश लेगी और पुलिस किसी रेगुलर इन्वेस्टिगेशन की तरह से कई हिस्ट्री शीटर्स और सिक्योरिटी गार्ड अनमोल भी प्राइम सस्पेक्ट था। लेकिन सिर्फ वही नहीं, उसकी राइफल भी काफी वक्त से गायब थी। टीना के एनजीओ से जुड़ी बातें भी पता की जा रही थी लेकिन यह पता करना आसान नहीं था कि किसने और क्यों मृत टीना के माथे पर मर्द लिख दिया था। सर अमोल के कॉल रिकॉर्ड्स में सभी नंबर खंगाले, ऐसी किसी भी औरत का पता नहीं चला जिससे उसका अफेयर हो या फिर वो उसके पास गया। तो अमोल की बीवी विनीता कहीं तो झूठ तो नहीं बोल रहे? अमोल और उसकी सर्विस राइफल गायब करने के पीछे कहीं उसका हाथ तो नहीं? उसकी भोली सूरत पे मत जाना, हो सकता है वो AK-47 वाले शूटर से कनेक्टेड हो। लेकिन सर अमोल ने टीना और विनीता के कैरेक्टर पर जो सवाल उठाया था उसके बारे में भी कुछ नहीं पता चला। टीना के एनजीओ से जुड़े हुए लोगों से भी पूछताछ की, वहां पे भी कोई एंगल नजर नहीं आ रहा। टीना जिस ऑटो में कत्ल वाले दिन अपने घर पहुंची थी उसका कुछ पता चला? नहीं सर, वहां कोई CCTV नहीं है, आसपास किसी ने कुछ देखा भी नहीं। उस ऑटो वाले को ढूंढना पॉसिबल नहीं लग रहा है सर। सर एक काम की इन्फॉर्मेशन मिली है, टीना का भाई करण पिछले 20 दिनों से इंडिया में ही है और वो 20 दिनों से अपनी वाइफ के घर दिल्ली में रुका हुआ था। तेरी माँ ने मुझसे शादी इसलिए की थी क्योंकि मैं पराठे अच्छे बनाता हूँ। तभी मम्मी इतनी मोटी थी। वो एकदम टेंशन फ्री लेडी थी। बस तेरे भाई के US जाने के बाद में उसके गम में बीमार होती रही और तेरा भाई उसे मिलने एक बार भी नहीं आया।
20 दिन पहले दिल्ली जरूर आया था, लेकिन अपनी वाइफ के साथ लाहौल स्पीति घूमने चला गया था। तो आपके अपने फादर और सिस्टर के साथ इतने रिलेशन खराब हैं कि 20 दिन से आप इंडिया में हो और उन्हें इन्फॉर्म तक नहीं किया? एक्चुअली सर, मैं लाहौल स्पीति से वापस आने के बाद अपनी फैमिली को सरप्राइज देना चाहता था, और मुझे टीना के मर्डर के बारे में पता चला। जब भी आप इंडिया से बाहर जाओ हमें बता कर जाना। श्योर सर, मैं आपको भी बता देता हूँ कि मैं 7 दिन के बाद US वापस जा रहा हूँ। If you don't mind, can I go now? Yes, please. Thank you. अगर इसने वाकई कुछ किया है तो हमें 7 दिन के अंदर अंदर इसके खिलाफ सबूत जुटाने होंगे, ताकि हम इसे US जाने से रोक सकें। क्योंकि अगर एक बार ये यहाँ से निकल गया तो इसे पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सर, सर नरेंद्र नगर में एक और लाश मिली है। गले पर खरोच का निशान। लूट के इरादे से हत्या की गई होगी। ये शायद कातिल के पैरों के निशान। शायद ये विक्टिम का फोन होगा। अच्छा, ये पर्स मिला। इसके अंदर पैसे तो नहीं है, लेकिन ये क्रेडिट कार्ड और ये विजिटिंग कार्ड। शीतल एस्टेट एजेंट। शीतल की लाश हमें नरेंद्र नगर में मिली। तुम शीतल से आखिरी बार कब मिले थे? मैडम, आज सुबह मैं उनके घर गया था दुकान की चाबी लेने। पुनीत, पुनीत रुक जा, पुनीत! क्या हुआ मैडम, क्या हुआ पुनीत को? अपने बाप के लिए पैसे चोरी करके लेकर जा रहा है। मुझे पता है कि वो आदमी अब इसकी जिंदगी भी बर्बाद करके छोड़ेगा। मैडम बोल रही थी वो जाकर अपने पति से बात करेंगी और फिर दुकान पे आएंगी। मैं काफी टाइम से मैडम का और उनके बेटे पुनीत का फोन ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन दोनों का फोन बंद था। शीतल का पति शीतल से अलग रहता है? जी मैडम, दोनों की आपस में बनती नहीं थी। कहाँ रहता है शीतल का पति? बल, सोनिया, बल, अरे ये लो, सोनिया, सोनिया, तूने मेरी बेटी के साथ अच्छा नहीं किया। हम दोनों की मौत का जिम्मेदार तू और निहा है। सर, किसी ने आपसे झूठ बोला? मुझसे ना पुनीत मिला ना मेरी बीबी शीतल। तेरी बीबी शीतल का कत्ल हो चुका है और तेरे बेटे पुनीत का फोन बंद। अब अगर तुमने कुछ भी छुपाया। मैं कुछ नहीं छुपा रहा हूं। कहां था तू? तुझे पता है तेरे मम्मी के साथ क्या हुआ? अनिकेत ने बताया कि तुम अपने पापा से मिलने गए थे, तब तुम्हारी माँ भी वहां ही थी। नहीं सर, मैं तो पापा के पास ही जा रहा था, तो माँ के नंबर से मुझे एक वीडियो कॉल आया। कौन है वहां? मुझे। और जब हमें तुम्हारी माँ की बॉडी मिली तो उस पर कोई मुझे नहीं थी। लेकिन सर, वीडियो कॉल में मैंने खुद देखा था, और वो औरत। औरत? तुम्हारी माँ को किसी औरत ने मारा? उसका हाथ नजर आ रहा था, उसने रेड कलर की नेल पॉलिश लगाई हुई थी और उसने मेरी माँ पे गोली चला दी। तुम्हें क्या लगता है कौन औरत होगी जो शीतल को ऐसे मार सकती है? सर, माना कि हमें शीतल मैडम का उधार देना था, लेकिन आज ही हमने एक किस्त चुकाई है। ये लो, पूरे 5,000 है। शीतल मैडम ने 7 दिन की मोहलत दी थी हमें, छठे दिन ही पूरी किस्त चुका दी है हमने। कत्ल करने के बाद किस्त चुका दी ताकि तुम लोगों पर किसी को शक ना हो। सर, हमने शीतल मैडम को नहीं मारा। तुम दोनों शीतल का फोन कभी नहीं उठाती थी, पर पिछले 2 दिनों में तुम लोगों ने शीतल को इतने फोन किए। क्यों? शीतल को नरेंद्र नगर तुम लोगों ने बुलाया था ना? नहीं सर, बल्कि शीतल मैडम खुद हमें बार बार फोन करके जान से मारने की धमकी दे रही थी। वो धमकी दे रही थी
और तुम लोगों ने सही में मार दिया। वो गन कहाँ? जिससे शीतल को मारा वो गन कहाँ है? कौन सी गन सर? हमने कुछ भी नहीं किया। सर टीना के माथे पर मर्द लिखा है और पुनीत ने बताया कि हत्या के वक्त शीतल की मूछें बनाई गई थी। हो सकता है बारिश की वजह से उसकी मूछें धुल गई। ना तो दोनों विक्टिम का आपस में ताल्लुक है और ना ही दोनों को सेम वेपन से शूट किया गया। कहीं ऐसा तो नहीं ये दोनों केसेस अलग अलग हैं, हम इन्हें जोड़कर अपना वक्त बर्बाद करें? टीना के केस में अमोल के अलावा टीना के भाई करण, सुमित और अमोल की बीवी विनीता के भी एंगल्स नजर आ रहे थे, लेकिन सिर्फ अमोल के पीछे भागकर कहीं पुलिस गलती तो नहीं कर रही थी? वहीं इसी दौरान एक दूसरे इलाके में मुकेश नाम के आदमी का मर्डर हुआ था। इन सभी केसेस की बैलिस्टिक रिपोर्ट बनाने वाली फोरेंसिक टीम एक ही थी और इस फोरेंसिक टीम ने अचानक पुलिस को चौंका दिया। आदिल जी मैं खुद हैरान हूँ, साहिबाबाद वाले मुकेश के मर्डर में जो गन इस्तेमाल हुई थी उसी गन से टीना का मर्डर हुआ है एंड इनफैक्ट शीतल के मर्डर में भी वही गन इस्तेमाल हुआ है। वन सेकंड महेश्वर, बैलिस्टिक रिपोर्ट में आपने साफ साफ लिखा है कि टीना की बॉडी में AK-47 की बुलेट मिली और शीतल की बॉडी में 303 की और अब ये मुकेश की बॉडी में 8mm पिस्टल की। हाउ कम यू स्टिल सेइंग कि तीनों को एक ही गन से शूट किया गया? क्योंकि तीनों बुलेट्स पे मार्किंग सेम है और तीनों बुलेट्स एक ही नोजल से निकली है। यू नो जब एक गन बनाते हैं तो उसके नोजल में आयरन का एक निशान छुपता है जो हर गन में अलग अलग होता है, जैसे हमारे हथेलियों पे रेखाएं अलग अलग होती हैं। पर मैंने अपने पूरे करियर में ऐसी कोई गन नहीं देखी जो एक ही गन में तीन अलग अलग किस्म की बुलेट फिट हो जाए। आई थिंक कुछ कन्फ्यूजन है। आई सजेस्ट कि आप अपनी रिपोर्ट पर एक बार फिर से गौर करें, ऐसी कोई गन हो ही नहीं सकती, इट्स इम्पॉसिबल। श्योर, मैं फिर से गौर करूँगी, पर आप भी एक बार गौर कीजिए, शायद ये तीनों केसेस कनेक्टेड हो। हेलो, तुम नजर रखो, हम अभी पहुंचते हैं। सर, अमोल के ठिकाने का पता चला। सब मैंने टीना मैडम को नहीं मारा, सब मैं सच बोल रहा हूँ। किसी से मरवाया होगा, किसी औरत से, किसी ऐसी औरत से जिसके साथ तेरा चक्कर था। मेरा किसी से कोई चक्कर उक्कर नहीं है साहब। तो भागा क्यों था? वो साहब मैं इसलिए भागा था क्योंकि आप लोगों ने मुझसे मेरी सर्विस राइफल मांगी थी और वो राइफल मैंने किसी को बेच दी थी। किसको बेची? टिल्लू को साहब। टिल्लू कहाँ मिलेगा? साहब वो मेरठ का रहने वाला है साहब, इससे ज्यादा मुझे उसके बारे में कुछ नहीं मालूम। टीना के भाई करण को इंडिया से बाहर जाने से रोकने के लिए पुलिस के हाथ कोई सबूत नहीं लगा था। वहीं अमोल को पकड़ने के बाद पुलिस एक टिल्लू नाम के इलीगल आर्म डीलर को ढूंढ रही थी। वैशाली में एक और औरत को शूट किया गया है, वहां के कांस्टेबल से पता चला, पुलिस अभी तक क्राइम सीन पर पहुंची नहीं है। वैशाली पुलिस से कॉन्टेक्ट करो, उनसे कहो कि हम भी क्राइम सीन पर विजिट करना चाहते हैं, हो सकता है चौथा मर्डर हमारे केसेस से कनेक्टेड हो। सर ये औरत नेहा शरद है। आपको इसका फोन मिला? क्योंकि टीना और शीतल के मर्डर के वक्त कातिल ने उनके फोन से लास्ट कॉल किया था और उस कॉल के दौरान ही दोनों का मर्डर हुआ। सर इस लेडी का फोन बंद है, ये लेडी यहीं अकेले रहती थी और इसको मैं बहुत अच्छी तरह से पहचानता हूँ। ये एक सेक्स रैकेट चलाने के जुर्म में अंदर भी हो चुकी है। सर ये नेहा शरद मुरादाबाद की रहने वाली थी, ये पिछले 12 सालों से इसी धंधे में थी। मुरादाबाद? नेहा मुरादाबाद की रहने वाली, टीना भी मुरादाबाद की रहने वाली थी। हो सकता है टीना इस नेहा को जानती है? नहीं सर, मैं इस औरत को नहीं जानता। इसका नाम नेहा है, गौर से देखिए, शायद इसे कभी आपने अपनी बेटी टीना के साथ देखा हो। नहीं सर। कम इन।
सर मैंने क्रिमिनल्स का डेटाबेस चेक किया है, उसमें एक तपन उर्फ टिल्लू का रिकॉर्ड मिला। सर ये तपन मेरठ में एक लूट की वारदात में शामिल था, काफी टाइम से फरार है। मिश्रा मुझे एक टिल्लू चाहिए, खबरों को काम पे लगाओ, कुछ भी करो लेकिन टिल्लू को ढूंढ निकालो। सर मिश्रा सर ये शाश्विता कहाँ आज? सर वो तो आज सुबह से नहीं है। ठीक है सर। एक्सक्यूज मी सर। आइए मिश्रा जी। आदिल जी जो नेहा शरद के बॉडी से बुलेट मिली है वो 7.65 mm राइफल गन की है और उस पे भी वही मार्किंग्स हैं। आप कहना चाहती हैं कि चारों बुलेट्स सेम गन से फायर किए गए? जी। ये किलर कोई औरत है? इतनी औरत एक ऐसी गन इस्तेमाल कर रही है जो एक ही गन में चार अलग अलग तरह के बुलेट्स फिट हो सकती है? इम्पॉसिबल। या क्रिमिनल पुलिस के दिमाग के साथ खेल रहा था। उस गन की पहेली को सुलझाने के लिए पुलिस ने अब गैर कानूनी हथियारों की डील करने वाले एक कुख्यात अपराधी टिल्लू को खोज निकाला। सब मानता हूं मैंने अमूल की राइफल खरीदी थी लेकिन मेरा इन मर्डर से कोई वास्ता नहीं है साहब। अब जो पूछ रहा हूं ध्यान से सुन और सोच के बोल, क्या तूने कभी कोई ऐसी गन खरीदी या बेची है जो एक ही गन में चार बुलेट्स ऑपरेट हो पाए? एक गन चार बुलेट्स? हाँ साहब 10 साल से इस धंधे में हूं मैं, मैंने कभी ऐसे गन के बारे में सुना ही नहीं है। एक सरफिरा लड़का था वो गन बनाने वाली फैक्ट्री में काम करता था और मैं वहां। ये तो एक गन का दाम है जनाब, वैसे अगर तुम बोलो तो तुम्हारे लिए ऐसी गन बना सकता हूं जिसमें चारों गन की बुलेट डले, बना दो। उसने ये बात मजाक में बोली थी, शायद उसने पॉसिबल कर दिया हो। कौन है वो लड़का, कहां मिलेगा? तो मिली मेरे घर वालों से तुम? हाँ तो बोलो क्या जानना है तुम्हें? विकास तुम्हारी दोस्त सोनिया और उसकी माँ को इस नेहा ने प्रोस्टिट्यूशन रैकेट में डाला था जिसमें सोनिया का बाप भूपेन भी शामिल था। माँ बेटी की सुसाइड के बाद से भूपेन गायब है, तुम जानते हो वो कहाँ है? भूपेन गायब नहीं हुआ था, मैंने मारा था उसे और नेहा ने गाड़ा था। टीना मेरी और सोनिया की क्लासमेट थी लेकिन टीना हमेशा मेरा मजाक उड़ाती थी ये बोलकर कि तू तो लड़कियों जैसा है, लेकिन सोनिया मेरी हमदर्द थी। पर सोनिया का बाप भूपेन एक नंबर का कबीना था, भूपेन ने मेरा बचपन छीन लिया और नेहा भूपेन जैसे कई आदमियों के सामने मुझे पेश करती थी लेकिन वो अच्छा आदमी था, उसने मुझे घर भी छोड़ा लेकिन अपने घर वालों के साथ भी मैं अपने अतीत में जलता रहा। और फिर एक दिन टीना मुझसे टकराई। बड़े होने के बाद तुम थोड़ा मर्ज से दिखते हो लेकिन तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज तो, अरे सॉरी यार बुरा मत माना, मैंने बस ऐसे ही कह दिया। मेरा खून खोल गया और मैंने उसे मारने की ठान ली। 6 महीने के बाद मैंने उसे ढूंढ लिया। तुम? मुझे लड़की बोलना बहुत पसंद है ना तुझे? शाश्विता फोन क्यों उठा रहे? अगर मैं मर गया तो मेरे साथ बहुत सारे राज दफन हो जाएंगे, जानना नहीं चाहोगे? मुकेश को कैसे मारा? तूने टीना के माथे पे मर्द क्यों लिखा? शीतल की मूछें क्यों बनाई? जो औरतें मर्द बनने की कोशिश करती हैं ना उनका यही हाल करता हूं। लेकिन वो निशाना चूक गया। अगर टीना ने इस हमले की जानकारी पहले ही पुलिस को दे दी होती तो वो दोबारा निशाना नहीं बनती और शायद बाकी के विक्टिम्स भी बच सकते थे। लेकिन हमें आरोपी विकास की मानसिकता को भी समझना होगा। माना कि अपराध अपराध को ही जन्म देता है लेकिन 12 साल पहले रूपल सोनिया और विकास जिन अपराधों का शिकार हुए थे उन्हें अगर सही तरीके से इन्वेस्टिगेट किया जाता तो एक मासूम बच्चे को इतना बड़ा अपराधी बनने से रोका जा सकता था। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क।
जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।